आज सदन में मोदी जी गुलाम नबी आजाद साहब के फेयरवेल स्पीच देते वक्त थोड़े भावुक हो गए, ये देखकर अच्छा लगा, मन अभिभूत हुआ। और उन्होंने सत्ता और विपक्ष की दूरी को मिटाने की बात करी और मतभेद और मनभेद इत्यादि की बात करी। अच्छी बात है, हमारे बड़े नेता है, उनका इतना आदर तो बनता है। लेकिन मन और भी खुश होता और भी अभिभूत होता अगर मोदी जी एक शब्द उन करीब 200 किसानों जिनकी शहादत हो गई इस आंदोलन में उनके लिए भी बोल देते, अगर एक श्रद्धा का सुमन उनके लिए अर्पित कर देते तो मन वाकई में आज अभिभूत हो जाता। मुझे खुशी होती अगर मोदी जी एक आंसू उन हजारों लाखों करोड़ों बेरोजगारों के लिए बहा देते जिन देश के युवकों को मोदी जी ने बेरोजगार छोड़ा हुआ है। मन थोड़ा और खुश होता अगर मोदी जी उन किसानों के मनरेगा के बजट को ना काट देते, उन किसानों की जो सम्मान निधि है उसमें कटौती ना कर देते तो मन और खुश हो जाता। तो मोदी जी देखिए, ये जो आंसू बहाने का आप काम करते हैं या ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये जो आवरण है इसको हटाइए और देखिए कि देश में वाकई हो क्या रहा है। आप समस्याएं और समाधानों की बात करते हैं ना, तो ये समस्या आप ही की सारी बनाई हुई है। चाहे वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर देना हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, ये सब आप ही की देन है। तो समस्याओं का समाधान तो आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, समस्या पे समस्या इस देश पर लादे डाल रहे हैं। धन्यवाद।